नमस्कार, शाखानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। आइए देखते हैं 40 दिन के लॉकडाउन में कहां तक पहुंची कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई। भारत में दूसरी बार बड़े लॉकडाउन की मियाद 3 मई को ख़त्म हो जाएगी। इस मियाद के ख़त्म होने के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा या नहीं, अभी तक ये तय नहीं है। इसके बारे में अंतिम फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ही को लेना है। लेकिन एक चीज़ तय है और वो ये है कि 3 मई के बाद ज़िंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश के दौरान कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को कुछ आदेश और कुछ निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि ये साफ है कि हम कोरोना से पहले जैसी दुनिया में जाने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। देश और विदेश के वैज्ञानिक इस एक मामले में एक राय है कि लॉकडाउन की वजह से भारत में कोरोना उस रफ्तार से नहीं फैला जिसकी आशंका थी। लॉकडाउन ने इसकी रफ्तार को थामने में काफ़ी मदद की। फिर भी ये वीडियो बनने तक भारत में 33,610 केस सामने आ चुके थे, जिनमें से 1,075 की मौत हो चुकी है और 8,372 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल देश में करीब 50,000 सैंपल की हर रोज़ टेस्टिंग हो रही है। हालांकि यह अब भी अपने तय लक्ष्य से कम है। वही अगर बात रफ्तार की करें तो पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश में हर 3 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। वही इस हफ्ते करीब 14 दिनों में मामले दोगुने हो रहे हैं, यानी कि रफ्तार भी 3 गुनी से ज़्यादा कम करने में सफलता हाथ लगी है। रफ्तार के मामले में भारत के सबसे आगे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा है, जहां पर 11 से 15 दिन के अंदर मामले दोगुने हुए हैं। वहीं तेलंगाना की स्थिति सबसे बेहतर है, जहां 58 दिनों में मामलों की संख्या दोगुनी होने की बात सामने आई है। केरल में 37 से भी ज़्यादा दिन में आंकड़े दोगुने हुए हैं। उत्तराखंड में 30 दिन और हरियाणा में 24 दिन में मामले दोगुने हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की स्थिति ज़्यादा ख़राब है, जहां हर 7 दिन में ही मामले दोगुने हो गए। यह आंकड़ा 23 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच का है और राज्य के लिए यह एक चिंता का विषय है। वहीं भारत में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र से है। यहां पर कुल 9,915 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां केस की कुल संख्या 4,082 है। देश में कोरोना से अब तक 1,075 मौतें हुई है और इन मौतों का 60% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र और गुजरात से है। महाराष्ट्र में अब तक 432 लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में 197 लोग इस वायरस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं। ये 40 दिनों के लॉकडाउन का हासिल है। हालांकि इस दौरान देश को चीन से धोखा भी मिल चुका है। कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके, इसके लिए भारत ने चीन से रैपिड टेस्टिंग किट मंगवाई। यह किट खराब निकल गई और फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इन किट से जांच बैन कर दी और इन्हें चीन को वापस भेज दिया। इस बारे में ICMR के डॉक्टर RR गंगाखेड़कर ने कहा कि ये टेस्ट किट 3.5 महीने से भी कम समय में बनाई गई थी, जिनमें सुधार की ज़रूरत है। इसलिए हमने राज्यों को सलाह दी कि इन टेस्ट किट का इस्तेमाल न करें। 40 दिनों का लॉकडाउन बीतने के बाद जब 4 मई की सुबह होगी, तब देश के सामने एक नई गाइडलाइन होगी। हो सकता है कि इस गाइडलाइन में लोगों को कुछ रियायतें मिले। हो सकता है कि सरकार कुछ आर्थिक पैकेज का ऐलान करे। मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार के पास कोई आर्थिक नीति हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कुछ ऐलान हो और सरकार के पास भविष्य में विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए कुछ काम की बात हो। जो भी होगा पता चल ही जाएगा, लेकिन इन 40 दिनों में देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत हुई है, उसे सामान्य सी गाइडलाइंस के जरिए पटरी पर नहीं लाया जा सकता। इस 40 दिन के लॉकडाउन के बीतते कोरोना वायरस की शुरुआत हुए 4 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत जाएगा। इन 4 महीनों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस वायरस के बचाव का टीका खोज रहे थे और जो अब भी नहीं मिला है।
हाँ, इतना पता चला है कि वायरस जानलेवा है। इसका पहला हमला नाक की दो कोशिकाओं पर होता है। इसका एल स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है और एस स्ट्रेन थोड़ा कम, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि इसका इलाज कैसे होगा और कौन सा टीका इस बीमारी से बचाव कर पाएगा। इन अधूरी जानकारियों और अधूरी तैयारियों के साथ ही भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात जोर शोर से उठ रही है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस खबर को लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल रंग के बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।